हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की रेसिपी, जो दिखने में बहुत मुश्किल है लेकिन बनाने में बहुत आसान है, जिसे हम कहते हैं मैंगो श्रीखंड या आम्रखंड। ये बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट डेजर्ट है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आम खंड बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, मतलब बॉईल कर लेंगे, और फिर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूध हमें कुनकुना गर्म रखना है, मतलब आसानी से उंगली चली जाए। न ज़्यादा हमको ठंडा रखना है और ना ही ज़्यादा गर्म। दही जमाने के लिए हम 2 बड़े चम्मच दही लेंगे। जो हमने कुनकुना दूध किया था वो इसमें डालेंगे और 3 से 4 बार हम इसे ऊपर नीचे करेंगे, ताकि दही हमारा अच्छे से एक जैसा जमे। इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए प्लेट से ढककर रख देंगे, ताकि दही अच्छे से जम जाए। लेकिन मैं रात में दही जमा रही हूँ, तो इसे मैं ओवरनाइट रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दही कितना अच्छा जमा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें पानी कितना कम है। इसका कारण ये है कि अगर आपके दूध में पानी ज़्यादा है तो आपके दही में भी पानी ज़्यादा होगा, और अगर आपके दूध में पानी कम है तो दही में भी पानी कम रहेगा। दही का पानी निकालने के लिए हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे, मतलब आपको एकदम बारीक कपड़ा लेना है, ताकि जो दही का पानी है वह आसानी से निकल जाए। अब हम इसमें दही डाल देंगे। कपड़े के चारों तरफ से हम कॉर्नर पकड़ लेंगे। इसे हम एक रबर बैंड से बांध देंगे। अब हम इसे नल पे लटका देंगे, या फिर आप किसी भी चीज़ से इसे लटका दें, ताकि जो दही का पानी है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। हमें इसका चक्का बनाना है, तो हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए इस तरह से लटका देंगे, और इसके नीचे कोई सा भी बर्तन रख दें, ताकि जो दही का पानी है वो इसी में जाए। 7 घंटे हो गए हैं, और देखिए मैंने ये नॉट बांधी है रबर बैंड पर, ताकि हम किसी भी चीज़ पर इसे बांधें तो ये आसानी से बन जाए। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। दही का सारा पानी निकल गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा हम इसे सॉफ्ट रखेंगे, ताकि हमारा जो आम खंड है वो एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बने। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। दही को छानने के लिए हम वापस वही मलमल का कपड़ा लेंगे, और इस तरीके से हम इसे बांध देंगे। पीछे की साइड हम रबर बैंड बांध देंगे, ताकि हमें दही छानने में आसानी हो। अब हम इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा दही लेकर और हाथ से इस तरीके से छान लेंगे। इससे हमारा जो आमखंड है वो बहुत सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। अगर आप इससे कपड़े से नहीं छानना चाहते हैं, तो आपके पास बारीक छलनी हो तो आप उससे भी इसे छान सकते हैं। तो देखिए ये कितना एक जैसा और एकदम सॉफ्ट हो गया है। आम फ्लेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लाल पट्टा आम लिए हैं। इसे हम छील लेंगे। इसमें मीठे आम ही होना चाहिए, आप इसकी जगह हापुस आम भी ले सकते हैं। आप कोई से अपनी आम लें, पर वो एकदम मीठा होना चाहिए। तीनों आम को हम कट कर लेते हैं। ये मैंने तीनों आम कट कर लिए हैं। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, और इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने आम का फाइन पेस्ट बना लिया है।
हो सकता है इसमें एक आधी पीस आम का रह जाए तो उसके लिए हम छलनी से इसे छान लेंगे ताकि श्रीखंड में एक भी पीस आम का नहीं आए। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी शक्कर डालेंगे। शक्कर को मैंने मिक्सर में बारीक पीस लिया था। अगर आप श्रीखंड को सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो शक्कर पीस कर डालें, और अगर आप टाइट बनाना चाहते हैं तो आप शक्कर का बुरा इसमें डाल सकते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक कप शक्कर हम और डालेंगे। शक्कर आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि आपका दही कितना खट्टा है ये उस पर डिपेंड करता है, तो इसमें शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। इसमें मैं आधा कप शक्कर और डालूंगी। टोटल मैंने यहाँ पर 2.5 कप शक्कर ली है। ये आम श्रीखंड तैयार हो गया है और देखिए कितना क्रीमी बना है। अब हम इसे फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। श्रीखंड एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो ये मैंने कटी हुई बादाम डाली है और थोड़े से हम इस पर पिस्ता डाल देंगे।